दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामले के बारे में बात करने वाले हम लोग, और ये बिल्कुल फिक्स था, ऐसा हो नहीं था। सबसे पहले बात करें, आप 1.5 साल पहले वैकेंसी निकालते हैं रेलवेज़ की, 90,000 पोस्टों के लिए 2.5 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं। आप सभी बच्चों से 500-500 रुपये लेते हैं, ये कह देते हैं कि हम 400 रुपये आपके रिफ़ंड कर देंगे आपके एग्ज़ाम के बाद। 2018 में आप SSC का Tier 1, जो आपका एग्ज़ाम होता है, वो कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ उसका टीयर होना है, अभी तक उसका पेंडिंग है, 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। और बहाना बना रहे हैं कि आप कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लें तो पिछले साल वैकेंसी निकाली थी चकबंदी लेखपाल की, 1300 पोस्टें थीं, फॉर्म डल गए बच्चों के, आपने 185 रुपये उनसे फीस ली, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद वेबसाइट बंद हो गई आपकी, आपने ना कोई जानकारी दी, आपने बस एक छोटा छोटा सा एक रीज़न दे दिया कि इसमें OBC की पोस्टें ना होने के कारण हम लोगों ने ये बंद कर दिया है अभी। तो ये है क्या, आपको पहले नहीं पता था क्या कि इसमें OBC की पोस्टें हैं नहीं हैं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी? या फिर आपने 1.5 साल पहले जो रेलवे का फॉर्म डलवा लिया तो आपने उसमें दे दिया, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है उसने आपने कह दिया कि हम लोग सितंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे आपका। 1.5 साल में आपने एजेंसी का ना चयन कर पाया, ना आपने अपना टेंडर दिया किसी को एजेंसी को कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो। अब बहाने बना रहे हैं कि कोरोना पेंडिंग, जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो आप जो मार्च है, 23 मार्च के समथिंग अपना लॉकडाउन चालू हुआ था, उसके पहले 1 साल हो गया है, क्या कर रहे थे आप लोग तब? जो 2.5 करोड़ बच्चों का आप लोगों ने 500 रुपये लिया है, 1400 जो 1140 करोड़ रुपये आपका समथिंग बनता है, इतने पैसे कहाँ गए? आपने किसी को कोई डाटा दिया? SSC के बारे में बात करें तो आपने 2018 में इसका Tier 1 जो करा लिया था, उसके बाद बच्चों 2 साल से बच्चे भटक रहे हैं, ठीक है। जो 55,000 की समथिंग आपको Tier 4 इसका कराना है, आपने ना वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसके बाद आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होना है उसमें। तो बहुत ही ज़्यादा एक दुखद ये मैटर है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। तो इसी को लेके दोस्तों, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो शिक्षक हैं, जो कनेक्टेड हैं आप सभी से, एक कैंपेन चला रहे हैं, हैशटैग स्पीक अप फॉर रेलवे SSC एग्जाम। आप सभी का समर्थन चाहिए इसमें, ये आपके भविष्य के लिए है, ठीक है। क्योंकि आज नहीं, आप कल फॉर्म किसी का डालेंगे और आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 1 से 2 साल लटकाया जाएगा, उसके बाद आपका 1 से 2 साल आपका पेपर लटकाया जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें, आज कोई वैकेंसी निकली तो आप, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल बात है, आपने भी अगर कोई एग्ज़ाम दिया होगा, देखा होगा, 1 साल तक उसका आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। उसके बाद एग्ज़ाम अगर धोखे से हो भी गया, ठीक है, उन लोगों ने करवा लिया, 1 साल उसका पहले रिजल्ट नहीं देना है उनको, रिजल्ट दिया उसके बाद आपकी वैकेंसी फंसेगी, उसमें नकल का कोई हो जाएगा कि इसमें नकल की गई है, तो आपकी कोर्ट में चली जाएगी वैकेंसी, 3 साल आपके बर्बाद हो गए, उसके बाद कोर्ट में लटकी रहेगी। जब आप फिर से वो वैकेंसी आएगी, आप फिर से उसका जब फॉर्म फिलअप करोगे, तब वो आपको एज, आपका एज बता देंगे कि भैया आपकी एज कंप्लीट हो गई है, अब आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कल 1 सितंबर है, अगर आप ट्विटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, मैं मेनली ट्विटर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ट्विटर अगर आप यूज नहीं करते हैं, आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में ट्विटर की लिंक मिलेगी, उसको डाउनलोड करना, अपना अकाउंट बनाना और ये कैंपेन उस पर चलाना है, हैशटैग के साथ स्पीक अप फॉर SSC रेलवे एग्जाम्स, साथ ही साथ स्पीक अप फॉर UP SSSC एग्जाम्स, साथ ही साथ एक और हैशटैग चलाना है, नो जॉब नो बोट, ठीक है। आप सभी का इसमें बहुत ही ज़्यादा समर्थन चाहिए, एक हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आप सभी उसके साथी हो, ठीक है, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा। और अगर 100 लोग भी ये हैशटैग डालते हैं तो हम लोग सफल माने जाएंगे कि ये वीडियो हम लोगों की सफल है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मैटर है। तो आप लोग कल अपना अकाउंट बनाना, ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाना, क्योंकि जो मेनली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं, जो रहते हैं ना, तो ट्विटर पे ज़्यादातर वो अपना एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, सॉरी एक्टिवेट नहीं, एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे सबसे ज़्यादा। तो ये PMO ऑफिस तक बात पहुँचानी है, जो प्रधानमंत्री ऑफिस है उस तक बात पहुँचानी है, #SSC एंड #SpeakUpForSSC रेलवे एग्जाम्स। चलिए तो डाउनलोड करिए जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन से ट्विटर, और कल जितना आपसे हो सके, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इस हैशटैग को चला सकें, चलाएं। मिलते हैं फिर, जय हिंद।